तो शॉर्ट वीडियो में फिर हम आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे राकेश सर सीधा। जी सर, कट ऑफ। नमस्कार दोस्तों, नीट 2024 की एग्जाम हो चुकी है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। और क्या क्या चर्चाएं बाजार में चल रही हैं इसका विश्लेषण अपन करेंगे, पेपर कट ऑफ का विश्लेषण अपन करेंगे। और इसके लिए हम हाजिर हैं पीसीबी प्रिंट सीकर से, मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश रोहिला सर। और आप देखेंगे कि नीट की एग्जाम के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा बाजार में ये है कि कट ऑफ कितनी रहेगी और किस कैटेगरी में कितने मार्क्स तक गवर्नमेंट एमबीबीएस में सीट मिल जाएगी। उसके बाद में आगे दूसरे विश्लेषण रहते हैं कि किस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, टॉपर्स कितने नंबर पे जा सकते हैं, कितने बच्चे 700 प्लस के हो सकते हैं, एम्स दिल्ली कितने रैंक पे मिल सकता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि नीट 2024 की कट ऑफ क्या रह सकती है गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए। तो पीसीपी प्रिंस, जैसा आप मान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कोचिंग नगरी सीकर की सबसे तेजी से उभरती हुई संस्था पीसीपी प्रिंस रिजल्ट्स में नए आयाम स्थापित करते जा रहा है। और पिछले सालों में पीसीपी ने जो कट ऑफ नीट की बताई है उसके इर्द गिर्द ही नीट की कट ऑफ रही है। तो आते हैं पहली स्लाइड पे। सबसे पहले देखते हैं कि 2021 में 16 लाख बच्चे बैठे, 18 हो गए 22 में, 23 में 21 हो गए, 24 में 24 लाख हो गए बच्चे, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं राकेश सर। लेकिन बच्चे बढ़ रहे हैं तो उसके बाद में सीटें भी बढ़ती जा रही है राकेश सर, थोड़ा सा प्रकाश डाले सीटों पे। सर देखिए, ये मेडिकल कॉलेजेस के नंबर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। जी जी, केवल गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात होगी, प्राइवेट में हमारे बच्चे सक्षम नहीं है, हमें तो गवर्नमेंट ही दिलानी है। जी, तो आप देख सकते हैं 20 में 280 कॉलेज थे जिसमें 42,000 के आसपास सीट्स थी। ये संख्या बढ़ी 21 के अंदर 285, और 21 और 22 में कॉलेजेस की संख्या नहीं बढ़ी लेकिन वो इनटेक बढ़ा, थोड़ी सी सीट की संख्या बढ़ी। 23 में ये बढ़कर 355 हुई और 24 में बच्चों के लिए 55,000 के आसपास सीटें, यहाँ 55,000 सीटें बच्चों के लिए हैं। मैं मानता हूँ एक सीट चाहिए होती है, 55,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें और लगभग इसके आसपास ही थोड़ी प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें हैं। तो शॉर्ट वीडियो में फिर हम आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे राकेश सर सीधा। जी सर, कट ऑफ सीधा, कट ऑफ की तरफ, सीधा कट ऑफ। तो कट ऑफ सुनने से पहले मैं मानता हूँ बच्चों की धड़कनें तेज हो सकती है क्योंकि हर बच्चे ने मेहनत अपने हिसाब से की है, उस मेहनत के मुताबिक निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट भी मिलता जा रहा है। पीसीपी ने आईआईटी जेईई और नीट दोनों में ही डोमिनेटिंग रिजल्ट दिया है और नीट 2024 में तो पीसीपी सफलता के चरमोत्कर्ष की तरफ जा रही है। पीसीपी के लंबी संख्या में बच्चे 700 प्लस के क्लब में हैं और मैं कहना चाहूँगा कि पीसीपी नीट 2024 में शिक्षा नगरी सीकर का गौरव बढ़ाएगी, मान सम्मान बढ़ाएगी। तो चलें सीधा अगली स्लाइड, कट ऑफ पे है या कुछ और है? कट ऑफ पे सीधा। तो कट ऑफ का पर्दा खोलते हैं और सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। लगभग की कट ऑफ तीनों कैटेगरी की बराबरी होती है, 19-20 का एक दो नंबर का फर्क हो जाता है, बड़ा फर्क इसमें ऑल इंडिया कोटे में, ऑल इंडिया कोटे में बड़ा फर्क नहीं है। और ये जो कट ऑफ की बात हो रही है ये ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग जो कोटे से होगी उसकी कट ऑफ की बातचीत चल रही है। स्टेट वाइज कट ऑफ इससे नीचे ही रहती है, मोस्टली स्टेट वाइज जो कट ऑफ रहेगी बच्चों की वो इन मार्क्स से नीचे रहेगी। तो पर्दे को ऊपर उठाते हैं और कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। राकेश सर, कट ऑफ बढ़ सकती है या घट सकती है? क्योंकि पेपर का लेवल एक बार अपन देखें, पेपर का लेवल कट ऑफ से पहले देखते हैं। तो कट ऑफ का आइडिया लेने के लिए इधर देखो, इधर आओ, केमिस्ट्री इजी, जूलॉजी इजी, बॉटनी इजी, फिजिक्स मॉडरेट। फिजिक्स का पेपर लास्ट ईयर की तुलना में प्लस था जी, लास्ट ईयर एवरेज कहेंगे तो इस साल मॉडरेट कहेंगे। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी तीनों इजी थी। केमिस्ट्री में केवल इनऑर्गेनिक का पोर्शन था, थोड़ा सा मॉडरेट था। तो फिर ओवरऑल केमिस्ट्री को क्या कहेंगे राकेश सर? थोड़ा ऑर्गेनिक इजी था तो वो ओवरऑल इजी हो गया, बैलेंस हो गया। ऑर्गेनिक को इजी कर दिया, इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा अप कर दिया, ओवरऑल केमिस्ट्री भी इजी है, तीनों सब्जेक्ट इजी है। फिजिक्स मॉडरेट लेवल है। तो राकेश सर, फिजिक्स अकेली कितना क्या कर सकती है, कट ऑफ को बढ़ा सकती है या घटा सकती है? फिजिक्स में अकेले में दम है तो कट ऑफ घटनी चाहिए पेपर हार्ड के हिसाब से। जी सर, लेकिन फिजिक्स में भी देखा गया कि एनसीईआरटी को फोकस किया गया है जी, और बच्चे एनसीईआरटी फोकस हो चुके हैं तो फिजिक्स थोड़ा सा मॉडरेट होते हुए भी बैलेंस कर। आजकल बच्चे स्मार्ट हो गए, फिजिक्स मॉडरेट होके भी एनसीईआरटी फोकस था, इसलिए फिजिक्स है वो कट ऑफ को डाउन कर पाएगी?
ऐसा लग नहीं रहा सर, लग नहीं रहा जी। तो चलते हैं, पर्दे को उठाते हैं और स्क्रीन की तरफ आते हैं। कट ऑफ नीट 2024 जनरल ओबीसी, आपका कट ऑफ जा रहा है 620 प्लस माइनस 5, 620 प्लस माइनस के चारों तरफ मार कर घूमता जा रहा है और मेरा मानना है कि कट ऑफ इसी रेंज में रहेगी। तो 620 नंबर का जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एक दो नंबर का हो सकता है, प्लस माइनस 5 का वेरिएशन दिया है क्योंकि बच्चों के नंबर सुनने में अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे मिल और रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ इसके आसपास ही जाएगी। तो दूसरी कैटेगरीज की तरफ भी अपन चल लेते हैं, थोड़ा रोक कर लेते हैं। तीन चार और इम्पोर्टेंट बातें आपको अभी बताना बाकी है, इसलिए वीडियो से जुड़े रहे। राइट, चलते हैं आगे। अब अपने सामने आ जाती है एससी कैटेगरी, लगभग 100 नंबर का फर्क है एससी कैटेगरी का जनरल से देखा जाता है। तो ये कट ऑफ जा रही है 510 प्लस माइनस 5। तो अब एसटी कैटेगरी पे आते हैं, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं 480 प्लस माइनस 5 नंबर के आसपास रहने की संभावना है। तो आप सभी कैटेगरीज का देख चुके हैं कि नीट 2024 में इन मार्क्स से जो ऊपर बच्चे हैं, और मैं तो कहूंगा प्लस 5 जोड़ लें इसमें, प्लस 5 वाले बच्चे तो मस्त हो जाएं, सेफ साइड में, सेफ साइड में, यू आर इन सेफ स्कोर और आप मस्त हो जाएं। छुट्टियों का अच्छी तरह से एंजॉय करें, चिल करें, मस्त रहें। जो बच्चे पीछे हैं उनको ज्यादा समय गंवाने की बजाय बॉर्डर वाले बच्चों को भी मेरा मानना है तो कि कदम आगे बढ़ा लेना। जी सर, क्योंकि समय लगते हुए 40 दिन रिजल्ट में लग जाते हैं, उसके बाद में 1.5 महीने काउंसलिंग चलती है, 2.5 महीने का समय हो जाता है। इसलिए अगर मान लो आप बॉर्डर पे हैं, फाइनली आपको सक्सेस मिल गई, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आप डायरेक्ट जाके कॉलेज ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर नहीं मिली तो आपका 2.5 महीने का समय आपको 25 में बैकफुट कर देगा। तो मैं दोस्तों सभी से बताना चाहूँगा कि पीसीपी प्रिंट सीकर के नीट के तैयारी के लिए सीकर शहर में 3 कैंपस बने हुए हैं। पिपराली रोड पे पीसीपी का कैंपस है, जेई नीट दोनों, पालवास रोड पे ओल्ड कैंपस है, जेई नीट दोनों, और पालवास रोड पे पीसीपी ब्रेनी है, 11 12th नीट। इन सभी कैंपसेज में एडमिशन्स ओपन है और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं उनके लिए पीसीपी एक विशेष आर्थिक पैकेज लेके आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, लेकिन मान के चले जब नीट की तैयारी में बच्चा रिपीटर बनता है तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को तो भारत सरकार संभाल रही है, लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की अर्थव्यवस्था को एक संबल देने के लिए पीसीपी का नीट स्कोर के अकॉर्डिंग जो स्कॉलरशिप है वो आप तक पहुंचाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, गौर करें इस पे कि जो बच्चे बहुत अच्छी खुली हुई स्कॉलरशिप है नीट 2024 में, जनरल ओबीसी के बच्चे जिनका स्कोर 550 मार्क्स से ऊपर है, उनको पीसीपी में ट्यूशन फीस में 100% की रियायत है। और 550 का स्कोर इस साल बच्चों, काफी बच्चे हैं जो 500, 600, 620 के बीच में, बड़ी संख्या में ये बच्चे हैं, इनके लिए मैं सबसे पहले इन्हीं को फोकस करूं। 550 से ऊपर 100%, 525 से 49 90%, 500 से 550 80%, मीन्स 500 से ऊपर वाले बच्चों को 80 से 100% तक की स्कॉलरशिप है और ये आपको एक अच्छा इकोनॉमिक सपोर्ट देगी। इसी तरीके से कैटेगरी में एससी एसटी में 450 से ऊपर 100% है, 450 से 450 के बीच में 90% है, मार्क्स के अकॉर्डिंग भरपूर स्कॉलरशिप है। इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ वो चीजें पीसीपी की जो अन्यत्र मिलना बहुत मुश्किल है, वो पॉइंट बच्चों के बताएं ताकि नई 2025 के सेशन में बच्चों के लिए पीसीपी के वो यूएसपीज सफलता के साधन बन जाए। सर, सबसे पहले तो जो इस साल पीसीपी का रिजल्ट रहने वाला है वही अपने आप में एक एडवांटेज है। उसके साथ में इन बच्चों को क्लासरूम स्टडीज के साथ में सेल्फ स्टडी का अपना एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो बच्चों को मिलेगा। और उसके साथ में इनके सर इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव टेस्ट करवाए जाते हैं कि अभी जैसे जब आप रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें वो चीज़ें झलकेंगी कि ये जो बच्चा जो पेमेंट कर रहा है उसका तो आप ये समझिए कि कागज ले जाएं टॉपर तारे में का। जी सर, इतने के तो टेस्ट पेपर ही मिल जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इतने टेस्ट पेपर्स लगते हैं कि फीस जमा होती है उतने के तो कागज ले जाते हैं, मशीन जल जाती है उतने। तो मैं पीसीपी की यूएसपीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि पीसीपी के टॉपर बच्चे ये मानते हैं कि पीसीपी का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है इसलिए पीसीपी की तरफ रुझान है, उसके बाद में टॉपर बच्चे कहते हैं कि हम
छह से बारह का शेड्यूल देख के पीसीपी की तरफ आ रहे हैं। छह से बारह का शेड्यूल क्या रखे सर? छह से रात के बारह बजे। हाँ, इसीलिए तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सर। मॉर्निंग इवनिंग दो शिफ्ट में क्लासेज चलती हैं, तो बच्चे की एक शिफ्ट में तो क्लासेज आएंगी जी, छह से एक बजे तक, फिर एक से डेढ़ दो बजे लंच का टाइम हो गया, फिर दो से लेकर आठ बजे एक एक बहुत शानदार सेल्फ स्टडी का शेड्यूल चलता है, फिर डिनर का शॉर्ट ब्रेक होता है और उसके बाद नाइट कैंप जी। इतनी शानदार, मैं कहता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट इन्वायरमेंट, एक माइक्रो इन्वायरमेंट उनको ऐसा मिलता है जिसके अंदर वो इस तरह से इंक्यूबेट होता है कि इंक्यूबेट होता है, माइक्रोबायोलॉजी की भाषाएं चल रही हैं। तो ये पीसीपी की यूएसपी है, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का 18 घंटे का सेल्फ स्टडी क्लासरूम कोचिंग प्रोग्राम। इसके साथ ही अपन बातचीत करें यहाँ की फैकल्टीज, फैकल्टीज एक से बढ़कर एक हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-50 फैकल्टी, बायोलॉजी में 50-50 फैकल्टी, एक से बढ़कर एक फैकल्टी, तो बच्चे के किसी तरह की डाउट नहीं रहती है। एक दो यूएसपी और मैं जोड़ना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, पीसीपी की टेस्ट सीरीज जिसके अंदर एक साल में, पिछले साल हमने कैलकुलेशन की, सिलेबस पूरा होने के बाद 28 दिसंबर 2023 को टारगेट नीट का सिलेबस होने के बाद पीसीपी के बच्चों ने लगभग 20,000 क्वेश्चंस टेस्ट के माध्यम से दिए। क्या बच सकता है एरर एनालिसिस के बचा ही नहीं है सर। ऐसा कुछ नीट की एग्जाम में नहीं मिलेगा जो पीसीपी में बच्चे ने लाइन टू लाइन सोल्व नहीं किया हो। तो इस यही पीसीपी की सक्सेस का राज है, यही पीसीपी जो मार्केट में एक जंप का जो रुझान दिखा रही है, मार्केट में एक स्वीप जंप कर रही है, ये स्ट्रेटजी उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। तो राकेश सर, स्कॉलरशिप बता दी, पीसीपी की यूएसपी बता दी, आज ही उठा लें थैला, जो मिनिमम सामान है वो आज ही उठा लें और सीधा पीसीपी के किसी भी कैंपस में पहुंचें, स्कॉलरशिप लें और 25 के लिए रणबेरी का ऐलान हो चुका है। उस रणबेरी में आप 25 में सिलेक्शन नहीं, रैंकर आपको बनना है। नीट की काउंसलिंग वापस आ जाते हैं उनके पास जिनका स्कोर 620 प्लस जा रहा है। नीट की काउंसलिंग जब आएगी उस टाइम पीसीपी में काउंसलिंग सेल रहेगी, आपको काउंसलिंग के लिए पूरा सपोर्ट पीसीपी देगी, आप बेझिझक होकर आ जाएं। कट ऑफ का प्लस, कट ऑफ से जो बच्चे वंचित रह गए उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी अपने नीट एक्सपीरियंस तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय के लिए नीट 2024 के रिजल्ट काउंसलिंग के लिए जो बच्चे पीछे रह रहे हैं उनकी 2025 की मार्गदर्शन के लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। उम्मीद है आप सभी को इस साल या अगले साल सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।